मनस्वी, तुम और सत्या अनाथालय जा रहे हो ना? जी मम्मी जी। और हमने खुशी को अडॉप्ट करने का फैसला किया है। बहुत अच्छी बात है, एक बच्ची सारा दिन उछल कूद करेगी घर में, पूरे घर में रौनक हो जाएगी। मम्मी जी, खुशी अपाहिज है। अपाहिज? ये क्या कह रही है मनस्वी? एक अपाहिज बच्चे कैसे ख्याल रखेगी तुम लोग का? वो बच्ची अपाहिज है, इसमें उसका तो कोई दोष नहीं है ना? और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे इस फैसले में आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। आप मना तो नहीं करेंगे ना? मनस्वी, तुम्हारी सोच बहुत बड़ी है और सही भी, लेकिन बेटा एक अपाहिज बच्ची को लाना मतलब तुम्हें अपना पूरा ध्यान उस पे लगाना होगा। मैं जानती हूँ, मैंने उस बच्चे को अपनी कोख से जन्म नहीं दिया है, लेकिन फिर भी मैं उस बच्चे का ऐसे पालन करूंगी, ऐसे जतन करूंगी कि जैसे यशोदा ने जतन किया था कृष्ण जी का। भाभी, मुझे पूरा यकीन है कि आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। अनस्वी, मैं ये समझूंगी कि शांति अनाथालय से मेरा बेटा वापस आ रहा है। काका साहब, अगर एक अपाहिज बच्ची इस हेरिटेज हाउस में आकर रहेगी तो आपका कितना बड़ा नुकसान होगा? वो लड़की कोई हिस्सा नहीं मांगेगी। काका साहब एक जिंदगी सवर सकती है, अगर आप थोड़ा कोऑपरेट करें तो शायद बात बन सकती है। मैं कैसे तुम्हारे साथ कोऑपरेट कर सकता हूँ? उस बच्ची को इस घर में थोड़ी सी जगह देकर। बस इतनी सी कोऑपरेशन? तो ठीक है मनस्वी, मैं कोऑपरेट करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। एक हाथ ले दूसरे हाथ दे। मैं तुम्हें उस बच्ची को इस घर में पालने की इजाजत दूंगा अगर तुम वो 25% की प्रॉपर्टी जो बाईसा की है मेरे हवाले कर दो तो। और इस कंगन से जुड़ी हर बात तुम्हें बाईसा को वापस करनी होगी। तराजू के एक पलड़े में बच्चा है और दूसरे में 25% प्रॉपर्टी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है मनसुख। मनस्वी, अब सोचना क्या है? मानसिंह को पेपर्स चाहिए और तुम्हें बच्ची, तो अब प्रॉब्लम क्या? काका साहब ने सौदेबाजी की है, कोई फेवर नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ अपना फायदा देखा है, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि मनस्वी भाभी कभी पैसों को अहमियत नहीं देगी। वैसे भी बेटा, जब हम यहाँ आए थे तब भी हमने बाईसा और बड़े दादाजी के शब्दों को ही अहमियत दी थी, है ना? हमने वो पैसे कब मांगे थे? पापा, अर्जुन, अगर यहाँ रह के इतनी सब प्रॉब्लम्स होने वाली हैं तो क्यों ना हम अपने पुराने घर चले? यही तो वो चाहते हैं भैया, कि हम जल्द से जल्द इस घर को छोड़ के चले जाएं। और इससे अच्छा मौका उन्हें कहाँ मिलेगा? हमारी दुखती रग पे हाथ रख दिया है उन्होंने।
मनस्वी, मुझे लगता है कि एक बार तुम्हें अनाथालय जाके उन लोगों की सलाह लेनी चाहिए। कैसे जाऊं और कैसे उस बच्ची को मैं यहाँ ले आऊं, जब काका साहब ने ये खुद कह दिया है कि वो उन लोगों के सामने ना कहने वाले हैं। क्या फर्क पड़ता है मनस्वी? माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें शांति अनाथ आश्रम जाकर बात करनी चाहिए, शायद कोई रास्ता निकला है। चलो। देखिए मिस्टर एंड मिसेस गोयनका, सारी जानकारी हासिल करने के बाद और शांति अनाथाश्रम के सारे ट्रस्टीज की राय लेने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आप दोनों ये बच्चा अडॉप्ट करें, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं। हम गोयनका परिवार के बारे में अच्छी तरह से वाकिफ हैं, लेकिन हमें ये पता चला है कि आपके पिता मिस्टर सिद्धार्थ गोयनका और मानसेन गोयनका दोनों सौतेले भाई हैं और आपका उस घर में कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर आप इस बच्ची को उसी घर में ले जाना चाहते हैं तो आपको हमें NOC लाकर देना होगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम मिस्टर मानसेन गोयनका। ओके, मानसी, हम आपके जज्बात को समझते हैं मगर हम नीति नियमों से बंधे हुए हैं। क्या मैं उस लड़की से मिल सकती हूँ? हाँ, तुम उससे जरूर मिल सकती हो, मगर उससे मिलने से पहले तुम्हें एक बात का ख्याल रखना होगा कि अभी से उसके दिल को कोई आस नहीं बांधनी है। जी, मैं याद रखूँ। वो रही खुशी। चले। खुशी। हाय खुशी। चॉकलेट। ओह, आपकी चॉकलेट, ये लीजिए। ये लो। थैंक यू आंटी। यू वेलकम। आप किसे ले जा रहे हो? क्यों बेटा, आपने ऐसे क्यों पूछा? क्योंकि कल एक आंटी और अंकल आए थे और अच्छे बच्चे को लेके गए। आप भी बहुत अच्छे बच्चे हो, एकदम स्वीट लड़की हो। तो आप भी मुझे लेके जाइए ना। खुशी, खुशी, मैं तुम्हें। खुशी, खुशी बेटा, आज आपने ड्राइंग नहीं की? नहीं, आज नहीं। क्यों? क्योंकि आज मुझे खेलना है। अच्छा, तो आज आपका खेलने का मूड है? अंकल के साथ खेलेंगे आप? चलिए आइए, अंकल और आप साथ साथ खेलें। Come on, let's go. Very good girl. प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।